तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम देख चुके थे, आज 31 से आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न है और इसको इंटीग्रेट कर देना है। एकदम ध्यान से बुआ, एक एक लाइन को पढ़ा दे रहे हैं, बाद में नहीं बोलिएगा। और बटा में देखिए पावर है तो थ्योरी है ले कि पावर के अंदर वाला को हमेशा जेड माना जाता है। तो यहां पर जेड बराबर हमने 1 cos x मान लिया। अब इसके डीसी कर देते हैं कॉन्स्टेंट 0 और कॉस के डीसी -9। प्रश्न से चलते साइन एक्स है और 1 cos x का होल स्क्वायर है, आगे रिजल्ट dx। इस तरह से रिजल्ट साइन एक्स है, नीचे आपका जेड स्क्वायर और dx के वैल्यू dz/-sin x। साइन साइन कटा, माइनस का चिन्ह बाहर, ऊपर भेजे निगेटिव पावर, एक पावर यहां जोड़ देते हैं, टोटल पावर से भाग दे देते हैं और माइनस माइनस प्लस निगेटिव पावर बटा भेज के पॉजिटिव, जेड की वैल्यू धर देते हैं और 1 cos x और प्लस आपका सी था जेड बराबर माने 1 cos x और इसके डीसी के dz/dx कॉन्स्टेंट 0 कॉस के डीसी -sin। प्रश्न से चलिए साइन एक्स नीचे जेड स्क्वायर डीएक्स के मान dz/-sin, साइन कटाए माइनस बाहर ऊपर भेज के निगेटिव पावर, एक पावर जोड़े कुले से भाग, माइनस माइनस प्लस निगेटिव पावर बटन भेज के पॉजिटिव और जेड के मान यहां पर धर दिए 1 cos x। जरा तेजी से लिखिए, आज आपका सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, इसमें पढ़बल था। फास्ट एकदम, चलिए अगला नंबर 32। यह आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बहुत सारा आएगा, एक नियम को आप अच्छा समझ लें। कोट को हम तोड़ देते हैं cos/sin, तो यहां cos x/sin x, एलसीएम ले लेते हैं साइन एक्स, तो चलो यहां एलसीएम साइन एक्स हुआ, एकर हल हो गया साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स ऊपर भेज देते हैं तो यह देखिए साइन एक्स और यहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और आगे डीएक्स। अब एक मेथड क्या है, मेथड देखिए 2 से गुना 2 से भाग और आगे रिजल्ट यहां साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। इस तरह से रिजल्ट था, साइन एक्स 2 गो है, देखिए अलग अलग करके लिख दिए हैं साइन एक्स, देखिए और हर को देखना है, साइन प्लस कॉस मांग रहा है तो यहां पर कॉस जोड़ देते हैं और जोड़ते हैं तो घटा के बैलेंस, मतलब जो मैटर बटा में वह ऊपर होना चाहिए और टोटल के बटा में यहां पर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और आगे रिजल्ट डीएक्स।
अलग अलग बटा कर देते हैं और ये आपका रिजल्ट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, नीचे भी रिजल्ट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, आगे रिजल्ट एक्स, यहां भी रिजल्ट हाफ, आगे यहां साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, और नीचे रिजल्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आगे रिजल्ट एक्स। देखिए दोनों दोनों कटा, अब चलिए अलग अलग यहां बटा हो गया। अब चलो मानते हैं जेड बराबर, बटा वाला जेड मानना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक डीसी करते हैं साइन के डीसी कोस, कोस के डीसी माइनस साइन, यहां साइन माइनस कोस है, यहां कोस माइनस साइन, माइनस कॉमन, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब यह मान प्रश्न में हम धर देंगे, रिजल्ट यहां एक बटे दो, कट के यहां पर बचा वन, आगे रिजल्ट डी एक्स, यहां हाफ कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, सॉरी ऊपर में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां पर रिजल्ट आपका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे रिजल्ट जेड, और डी एक्स के मान धर देते हैं डी जेड बटे माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ये दोनों दोनों कटा, रिजल्ट यहां हाफ, वन का इंटीग्रेशन एक्स, माइनस को आगे कर दिए हाफ, वन बटे जेड का इंटीग्रेट लॉग जेड, इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट सी, रिजल्ट यहां हाफ एक्स, आगे माइनस हाफ, जेड की वैल्यू रख देते हैं, जेड का वैल्यू माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। तो चलो एक बार पुनः दोहराते हैं, ध्यान से देखेंगे प्रश्न से। चलिए कोट के फॉर्मूला कोस बटे साइन, साइन का एलसीएम, हल हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स ऊपर भेजे। इसके बाद क्या करना है, ऐसे प्रश्न में दो से गुना दो से भाग कर देना है, दो गो साइन एक्स है, देखिए अलग अलग करके लिखिए, और हर को देखते हुए कोस जोड़े और घटा के बैलेंस कर दिए। इसके बाद अलग अलग दोनों में देखिए बटा कर दिए, कट के वन हुआ, यहां पर बटा वाला को जेड मान लिए हैं, जेड के डीसी डी जेड बटे डी एक्स, साइन के डीसी कॉस, कॉस के डीसी माइनस साइन, माइनस कॉमन माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, रिजल्ट यहां हाफ, कट के बचा वन, यहां भी हाफ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे जेड, और डी एक्स के मान देखिए पुट कर दिए कटा, एक इंटीग्रेशन एक्स होता है, माइनस देखो आगे कर दिए यहां हाफ, और वन बटे जेड का इंटीग्रेट लॉग जेड हुआ, और जेड के मान हमने पुट कर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस तरह का प्रश्न बनाने की यही तरीका है। जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर से शुरू से अंत तक हम आपको एक बार फिर दोहरा देंगे, उसके बाद सब लाइव में क्वेश्चन बैंक वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ए टू जेड करा देंगे, बस आप लाइव धैले रहना। ऐसे भी इंटर एग्जाम के बाद कंपटीशन देंगे तो लाइव की जरूरत पड़वे करेगा, तो आप ये आदत मार दीजिए। बहुत भी जाते तो लिए होंगे भाई पीडब्ल्यू।
छह नंबर बढ़ाते हैं। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन देखिए 33, सेम वह रूल चलाना है। और ये आपका रिजल्ट हो गया 1। टेन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स और बटे कॉस एक्स, रिजल्ट यहां पर हो गया 1। और यहां एलसीएम हो गया आपका कॉस एक्स, इसका हल हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आगे डीएक्स। कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स, आगे यहां रिजल्ट कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और आगे डीएक्स। 2 से भाग दे देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, प्रोसेस हुए और नीचे रिजल्ट हो गया कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और डीएक्स बराबर का चिन्ह हाफ। कॉस एक्स 2 गो है, अलग अलग देखिए कॉस एक्स लिखे और हर को देखते हुए कॉस माइनस साइन चाहिए, तो यह देखिए साइन घटाए और साइन को जोड़ के बैलेंस कर दिए और टोटल के बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और आगे रिजल्ट डीएक्स, अलग अलग बटा कर देते हैं। और यह आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, नीचे भी रिजल्ट आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यहां भी रिजल्ट था, आगे यहां भी रिजल्ट कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, और यहां पर रिजल्ट आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और आगे डीएक्स, दोनों पता। आप बटा बलग जेड मानना है तो जेड बराबर मानते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक डीसी कर देते हैं तो कॉस का डीसी माइनस साइन और साइन के डीसी यहां कॉस माइनस कॉमन ले लेते हैं और साइन एक्स और प्लस यहां कॉस एक्स। चलिए सब मान इसमें धरते हैं, रिजल्ट 1/2 यहां कट के बचेगा 1 आगे डीएक्स, यहां रिजल्ट हाफ आगे यहां कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, नीचे हो गया जेड और डीएक्स के मान डीजेड बटे माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये दोनों के दोनों मैटर कट गया। रिजल्ट यहां बचेगा 1 के इंटीग्रेशन एक्स बचेगा और यहां पर रिजल्ट 1/2 माइनस को देखिए बाहर आगे कर दिए हैं और 1/z के इंटीग्रेट होता है लॉग जेड और इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंसी। अब यहां केवल जेड के मान बैठा देना है और जेड के मान बैठा देते हैं तो जेड के मान हम लोग का था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट आपका सी हो गया। तो एक बार फिर से देखिए, चलते यहां चलते हैं टेन के फॉर्मूला साइन बटे कॉस, एलसीएम यहां पर कॉस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर, 2 से गुना 2 से भाग, 2 कॉस एक्स को तोड़े कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स घटाए साइन एक्स जोड़े, अलग अलग देखिए बटा कर दिए कट गया है, बटा बलग जेड मानना है तो जेड बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी जेड बटे डी एक्स कॉस के डी सी माइनस साइन साइन के डी सी कॉस, दोनों माइनस कॉमन। रिजल्ट यहां पर हा कट के बचा 1 प्लस हा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे जेड डी एक्स के मान डी जेड बटे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों कटा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस यहां आगे किए 1/2, 1/z का इंटीग्रेट लॉग जेड और जेड के मान पुट कर दिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 है।
अभी अगला नंबर है रूट के अंदर को जेड मानना है। तो चलो यहाँ जेड बराबर मानते हैं और माना कि जेड बराबर टेन टेन को भी चलते अंदर रूट टेन टेन को जेड कहते हैं और जहां टेन है वहां जेड रख देते हैं। और चलिए रखने जा रहे हैं यहाँ पर जेड और ये आपका जेड आगे भी जेड भाग में पावर घटता है। आधा पावर में एक पावर घटेगा माइनस आधा पावर बचेगा। अब चलो एक इंटीग्रेट कर देते हैं। आओ एक इंटीग्रेट हुआ एक पावर जोड़ देते हैं उन्हें पावर से भाग इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट से दो ऊपर भेजी हाफ पावर मतलब रूट जेड के मान यहाँ धर देते हैं और टेन एक्स और इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट से एक बार फिर देते रूट के अंदर वाला जेड था जेड बराबर टेन एक्स टेन के डी सी होले सेक स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट से चले रूट जेड साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स के मान डी जेड बटे सेक स्क्वायर एक्स सेक कॉस उल्टा है वो कटेगा और सेक का फॉर्मूला वन बटे कॉस साइन बटे कॉस के मतलब टेन टेन के मतलब जेड आधा पावर एक पावर घटेगा तो ऊपर में माइनस आधा पावर बचेगा एक इंटीग्रेट एक पावर जोड़े कुल्हे से भाग दो ऊपर भेज दिए हाफ पावर मतलब रूट होता है और जेड का मान यहाँ पर हम टेन एक्स धर दिए हैं। जल्दी
बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है बाबू, साइज आज खत्म कर देना है। अगला नंबर प्रश्न है, और यहां पर जेड मानना है, जेड बराबर वन प्लस लॉग एक्स मानते, अब एक डीसी कर देते, लॉग एक्स का डीसी वन बटे एक्स। प्रश्न यहां चलते हैं, आर वन प्लस लॉग एक्स, आर देखकर होल स्क्वायर है, नीचे रिजल्ट एक्स, आगे यहां डी एक्स, सब मान धर देते हैं, जेड स्क्वायर आगे एक्स, और डी एक्स के मान यहां से धरते हैं एक्स डी जे, एक इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसका इंटीग्रेशन जेड क्यूब बटे थ्री, इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट सी, तीन बाहर कर देते हैं, और जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं वन प्लस लॉग एक्स खुले के होल क्यूब, आप इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट आपका सी पूछिए, तो जेड बराबर मानी वन प्लस लॉग एक्स, एक डी सी डी जेड बटे डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डी सी जीरो, लॉग एक्स का डी सी वन बटे एक्स। प्रश्न से चली, जेड स्क्वायर है, नीचे आपका एक्स है, डी एक्स के मान एक्स डी जेड, एक्स एक्स कटाए, एक पावर जोड़े कुले से भाग, और जेड का मान पुट कर दिए वन प्लस लॉग एक्स। फास्ट लिखेंगे, चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं, यह नंबर 36, इसको इंटीग्रेट करना, आर जेड बराबर मानते हैं, आर माना एक्स प्लस लॉग एक्स है, एक डीसी कर देते हैं, एक्स के डीसी वन है, आर लॉग एक्स के डीसी वन बटे एक्स है, एलसीएम आ एक्स, एक्स प्लस वन। प्रश्न से चलते हैं, आर ये आपका एक्स प्लस वन है, आगे यहां एक्स प्लस लॉग एक्स, आर टोटल के होल स्क्वायर, आर टोटल के बटा एक्स, और आगे रिजल्ट एक्स। चलो सब मान धर देते हैं, और एक्स प्लस वन हो गया, इतना को हम लोग जेड कहते हैं, तो ये आपका जेड स्क्वायर हो गया, नीचे यहाँ एक्स हो गया, और डी एक्स के मान यहाँ से धर देते हैं, और एक्स बटे एक्स प्लस वन और इंटू डी जेड, ये दोनों दोनों कटा, एक इंटीग्रेट कर देते हैं, एक पावर जोड़े कुल्हे से भाग, इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंसी, और जेड के मान यहां से धर देते हैं एक्स प्लस लॉग एक्स के होल क्यूब।
फिर से मिलाएंगे, जेड बराबर एक्स प्लस लॉग एक्स डी जेड बटे डी एक्स एक डी सी वन बटे एक्स एलसीएम एक्स एक्स प्लस वन। प्रश्न से देखिए, चलिए एक्स प्लस वन जेड स्क्वायर नीचे एक्स और डी एक्स के मान पुट किए, एक्स प्लस वन एक्स कटा एक इंटीग्रेट जेड क्यूब बटे थ्री तीन बाहर जेड का वैल्यू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब। अगला नंबर बढ़ते हैं 37 नंबर। अगर इंटीग्रेट करना माना जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स फोर एक डीसी कर देते डी जेड बटे डी एक्स यहां भी टेन इनवर्स एक्स पर पावर फोर इनवर्स के डीसी एंगल मिलाते एक्स पर पावर को गुना कर देते हैं एक्स पर पावर फोर डी एक्स टेन इनवर्स के डीसी वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर तो आठ पावर एक डीसी फोर एक्स के क्यू। अब प्रश्न से चलते हैं एक्स क्यू है आगे यहाँ साइन आगे यहाँ टेन इनवर्स एक्स पर पावर फोर और नीचे हो गया वन प्लस एक्स पर पावर एट आगे दिया तो ये सब मान धर देते हैं और ये आपका रिजल्ट एक्स क्यूब आगे रिजल्ट यहाँ साइन जेड और वन प्लस एक्स पर पावर एट डी एक्स के मान यहाँ से धर देते हैं और वन प्लस एक्स पर पावर एट आगे रिजल्ट यहाँ फोर एक्स क्यू आगे दिया फोर एक्स क्यू देखिए कटा ये टोटल के टोटल कटा चार बाहर साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड जेड के वैल्यू धर देते हैं आप जेड के वैल्यू धर दिए हैं टेन इनवर्स एक्स के पावर फोर और इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट थी जेड बराबर माने टेन इनवर्स एक्स पर पावर फोर
डी सी डी जेड बटे डी है, इनवर्स के डी सी एंगल मिलाए गुना करके 42, टेन इनवर्स के डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एकर डी सी 4x³। प्रश्न से देखते चलिए, रिजल्ट x³ साइन जेड 1+x पर पावर है, डी एक्स के मान यहाँ से धर देते हैं 1+x पर पावर 8/4x³ दीजिए, x³ कटा 1+x पर पावर 8 कटा साइन के इंटीग्रेशन माइनस कोस और जेड के मान यहाँ टेन इनवर्स x पर पावर 4 बैठा दी। जल्दी लिखेंगे, चलिए अगला नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव है ये, एक नंबर के लिए एकदम रट जाइएगा, एक नंबर ही आएगा, कभी कभी पांच नंबर में भी पूछता है, एक नंबर कैसे रटेंगे, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। और जो बटा में है ने वाला एक लॉग लगा देंगे, ये है आंसर, तो आंसर होगा लॉग एक्स पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर एक्स, अर्थात आंसर इसका जो डी नंबर है। तो इस तरह से एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव हम याद करेंगे, जो बटन है लॉग लगाइए उत्तर, ये क्वेश्चन पांच नंबर में भी आता है, बना करके देखना है। अब बटा बलग जेड मान, चलो जेड बराबर मानते हैं एक्स पर पावर 10, 10 पर पावर एक्स, एकर डीसी तो डायरेक्ट होते हैं 10 गुना एक्स पर पावर 9,
लेकिन एकर डीसी करेल तो आपको लॉग का जरूरत पड़ेगा। एक काम करते हैं, फिर से मान लीजिए आर यू बराबर 10 पर पावर एक्स, लॉग लेते हैं लॉग यू, एने भी लॉग लगाते हैं लॉग 10। पावर गुना हो जाएगा अर्थात एक्स लॉग 10 निचला बेसी। अब एक डी सी करते हैं डी लॉग यू, आधार मिलाते हैं डी यू, गुना करते हैं डी ओ बटे डी एक्स, लॉग 10 कॉन्स्टेंट बाहर और एक्स का डी सी डी एक्स बटे डी एक्स, एक डी सी 1 बटे यू, आगे डी ओ बटे डी एक्स, आगे यहाँ लॉग 10 और एक्स के डी सी 1 हुआ, यू ने गुना में भेज देते हैं और डी ओ बटे डी एक्स यू गुना में चला गया लॉग ई और यहाँ 10, यू के मान धर देते हैं और यू के मान धर देते हैं 10 पर पावर एक्स, यहाँ भी यू के मान धर देते हैं 10 पर पावर एक्स। अब चलो जेड बराबर चलते हैं, तो जेड बराबर हमारा था एक्स पर पावर 10 और 10 पर पावर एक्स, लॉग लगा ले सॉरी एक डी सी कर देते हैं और एक डी सी 10 एक्स पर 10 पावर और एक डी सी 10 पर एक्स पावर डी एक्स। एक डी सी जानते हैं 10 एक्स का पावर 9 होता है और एक डी सी यहाँ हम निकाले हैं 10 पर पावर एक्स लॉग ई और यहाँ 3। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न हमको याद है 10 एक्स पर पावर 9 आगे 10 पर पावर एक्स और लॉग यहाँ 3, नीचे था आपका एक्स पर पावर 10 और 10 पर पावर एक्स। चलो इसमें सब मान धर देते हैं, अब इसमें सब मान धरने जा रहे हैं, तो चलिए ये आपका रिजल्ट हो गया 10 एक्स पर 9 पावर आगे 10 पर पावर एक्स लॉग यहाँ 10, नीचे रिजल्ट जेड और डी एक्स के मान धर देते हैं डी जेड बटे 10 एक्स पर 9 पावर और 10 पर पावर एक्स लॉग यहाँ 3। इस तरह से ई और ई आपस में कटा, 1 बटे जेड के इंटीग्रेट लॉग जेड होता है, जेड के मान धर देते हैं और जेड के मान एक्स पर पावर 10 10 पर पावर एक्स इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका सी। तो एक बार फिर से देखें, बटा वाला को जेड मानना है तो जेड बराबर 10 पर एक्स, एक्स पर 10 मानिए। एक डी सी डायरेक्ट होते है लेकिन एक डी सी बगैर के लिए लॉग लेवे पड़ेगा तो इसको हम यू माने। दोनों तरफ देखिए लॉग लगाए पावर गुना हो गया, लॉग यू के डी सी बेस मिलाए कांस्टेंट बाहर एक्स के डी सी, एक डी सी 1 बटे यू डी यू बटे डी एक्स लॉग यहाँ 10 एक्स के डी सी 1, यू एने गुना भेज दिए। अब यू के मान 10 पर पावर एक्स बैठाए, यहाँ भी 10 पर पावर एक्स बैठाए। अब प्रश्न से चले जेड बराबर है एक डी सी डी जेड बटे डी एक्स, डी सी देखिए दोनों कर दिए, एक डी सी 10 एक्स पर पावर 9 और एक डी सी यहाँ निकाले हैं पुट कर दिए। क्वेश्चन से देखिए चल गए ऊपर जैसे है वैसे, इतना को जेड कहे हैं और डी एक्स के मान बैठाए दोनों कटा, 1 बटे जेड का इंटीग्रेट लॉग जेड इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी, जेड के मान बैठाए 1 नंबर या 5 नंबर यह क्वेश्चन देख जाएगा। एकर इंटीग्रेट करना है 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का फॉर्मूला धर देते हैं और 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और टोटल के बटा में है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग बटा कर देते हैं
और साइन स्क्वायर एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से यहाँ कॉस स्क्वायर कटा, यहाँ साइन स्क्वायर कटा, रिजल्ट यहाँ बच गया कितना जरा मिला ले, वन बटे कॉस स्क्वायर के मतलब सेक स्क्वायर बच गया है, और वन बटे साइन स्क्वायर के मतलब कॉसेक स्क्वायर बच गया है। सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं टेन होता है, और कॉसेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट सी। तो आपका जो विकल्प है वो बी नंबर विकल्प आपका सही बता रहा है। तो एक बार फिर देखिए प्रश्न से चले, वन का फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अलग अलग बटा कर दिए, साइन स्क्वायर कटा कॉस स्क्वायर कटा, वन बटे कॉस स्क्वायर के मतलब सेक स्क्वायर, वन बटे साइन स्क्वायर के मतलब कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन टेन, कॉसेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन माइनस कॉट। ये 38 नंबर।
जल्दी लिखेंगे। आज एक्सरसाइज खत्म हुआ, कल आपका तीसरा एक्सरसाइज चालू होगा। चलिए आखिरी नंबर है, तो चलिए आज का यहीं पर कहानी खत्म है, कल आपका नया एक्सरसाइज।